ओ शिट, माशद गार्डन। हाँ लद्दाख में आ गए भाई हम, लद्दाख में। अगस्त का महीना था, लॉकडाउन जस्ट ओपन ही हुआ था, लेकिन बाहर अभी भी पूरी तरीके से सब कुछ चालू नहीं हुआ था। बहुत दिन से घर पे थे तो सोचा चलो कहीं घूम के आते, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरे साथ आज क्या होने वाला था। तो बारिश है यार। ओ कंप्लीट 10,000 किलोमीटर कंप्लीटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद राइड पे निकले हैं। एक्चुअली मैं सुबह ही निकला था, लेकिन बारिश इतनी थी तो कैमरा मैंने अंदर ही रख दिया था। तो अभी थोड़ी सी बारिश हल्की हो गई है, तो मैंने कैमरा अपना निकाल लिया और अभी कर रहा हूँ व्लॉगिंग। और हाँ, आज की राइड होने वाली है माशद घाट के लिए। तो बेसिकली ये मैंने अंदर से रूट लिया है, मतलब पनवेल से होके करजत होके जो नियर माथेरान है वहाँ से निकल के ये रोज मुरबड़ होके माशद घाट जाता है। तो मैं थाने साइड से नहीं आया, सोचा कि ये साइड से चलूँ, थोड़ी और यहाँ पे अच्छी नेचर ब्यूटी मिलेगी देखने। रास्ता थोड़ा है ख़राब, बट ठीक है, चलता है। और आज तो वैसे भी मैं आराम से निकला हूँ, टाइम अभी 10:53, मतलब ऑलमोस्ट 11 बज गए। तो कुछ खास काम है नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, सो क्या जाता है। तो चलो चलते हैं अभी माशद घाट की तरफ। अभी तो फिलहाल मुरबाड़ की तरफ जा रहा हूँ, मुरबाड़ से फिर वहाँ से राइट लेके माशद घाट की तरफ चलेंगे। बारिश अब सुबह से अच्छी हो रही है, मतलब पता नहीं अभी माउंटेन पे क्या होगा ऊपर, क्योंकि माशद घाट आप सबको तो पता ही है थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है। मस्त है ये रोड की ब्यूटी, जबरदस्त सीन है। ये सीन के लिए यार एक लाइक तो बनता ही है। तो जो भी लोग मेरे यार तो जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो यार, एक लाइक कर दो। वाह क्या जबरदस्त नदी है, तो वो भी एकदम खतरनाक है। अगर आपको चाहे तो ये अंदर का रोड आप ट्राई कर सकते हो, मतलब कल्याण से होते हुए जाना, मे बी वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता है क्योंकि रास्ता पूरा कल्याण से होके जाता है। बट हाँ, ये अंदर का रोड है ठीक ठाक है। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे खड्डे हैं, लेकिन आगे आप देख सकते हो, आगे थोड़ा अच्छा रोड दिख रहा है। तो रोड ओके ओके, तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो आना। आपको यहाँ पे नेचर अच्छा देखने मिलेगा, मतलब फुल ऑफ ग्रीनरी। दिस इज कड़म भाई, क्या कर रहा है, पूरा रोड पे से चल रहा है, सामने गाड़ी दिख रही है फिर भी। तो अभी टूवर्ड्स मुरबाड़, जहाँ से 25 किलोमीटर समथिंग होना चाहिए, क्योंकि बारिश है तो मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं कितना किलोमीटर है क्या। तो 11:10 हो गए और आगे चेक पोस्ट है। कैसे टर्न मारता होगा यार यहाँ से। ओ क्या रोड लगा भाई, मजा आ गया, मस्त। मैं इजीली यहाँ पे 70 प्लस भगा सकता हूँ, बट नहीं भगा रहा हूँ क्योंकि न्यू रोड है मेरे लिए भी। और ठीक है, क्या भगाने का, बारिश भी है, रोड भी गीला है, लेकिन यार सच में बोल रहा हूँ मजा आ गया। माशद घाट तो अभी भी मतलब है दूर, लेकिन यहीं पे मजा आ गया कसम से। लद्दाख में आ गए भाई हम, लद्दाख में रोड
काम चल रहा है रोड का, और क्या सीन है बॉस, मज़ा आ गया। आते वक्त भी मुझे यही रोड से आना है, मैं सोच तो रहा यही रोड से आने का, लेकिन यार यहाँ पे तो जंगल है पूरा आजू बाजू, तो जल्दी निकलना पड़ेगा फिर मुझे वहाँ से। अंदर अंदर हो गया तो कैसे खौफनाक जानवर रहते हैं जंगल में। पैसा वसूल है भाई साला, यहाँ से भी चौक पोस्ट। रोड बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे पत्थर निकले हैं ना, वो डेंजरस है, टायर स्लिप होता है उसके ऊपर से। मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा पीछे का डर से थोड़ा 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 हिल रहा है। मस्सा विलेज आ गया है, डेलमेशन क्रॉस ब्रीड है। मस्सा गांव लेफ्ट, ओके करेक्ट। आज मैं देख रहा हूँ इतने लोग घूमने निकले हैं, सैटरडे संडे है और शॉप चालू हो गए क्या। फैमिली में देख रहा हूँ जो घूमने निकले, मतलब पूरे ठूस ठूस के भरे हैं गाड़ियों में। अच्छी खासी धूप आ गई। हमारे पनवेल साइड में इतनी बारिश हो रही है, मुझे लगा था यहाँ पे जोरदार बारिश होगी, यहाँ पे धूप है अच्छी खासी। ये मुरबाड़ आ गया और अभी यहाँ से लेना है हमको राइट, जो रोड सीधा जाएगा मार्शेद घाट की तरफ। यहाँ से लेना है राइट, ये NH-61 है जो मार्शेद घाट होके फिर पुणे जाता है। NH है तो रास्ता ओके ओके। लेकिन बारिश नहीं है ना तो थोड़ा स्पीड क्रूज कर सकते हैं, बारिश रहती है तो बिल्कुल भी नहीं जमता। ओहो रुक भाई रुक। लाइक यहाँ से मार्केट घाट 47-48 किलोमीटर है, ट्रैफिक है, मतलब लोग बहुत सारे पिकनिक के लिए निकल रहे हैं। और कुछ बाइकर्स भी दिखे मुझे जो रिटर्न आ रहे थे, डाउन आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से ऊपर रश गर्दी होएगा। तो गाइस यहाँ से होता है अपना मार्शेद घाट स्टार्ट, और मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बाइकर्स दिख रहे हैं आज इंडियन फ्लैग को लेके। मजा आ रहा है। मेरे आगे चल रही है पुलिस की वैन, चेकिंग चेकिंग। अच्छा बड़ी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। ओह शिट कोई माइक की भी ना कर दे। मार्शेद घाट साबन की गाड़ी ले जा रहा है। सिंगल पण नाही सोडत दादा, सिंगल पण नाही सोडत। ए
यार अभी पुलिस तो बोल रही है घाट बंद है। सो गाइस मेरी ये राइड फेल हो गई बिकॉज पुलिस ने हमें आगे जाने नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे। और आते वक्त रास्ते में जो नज़ारे दिखे वो तो कमाल के ही थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।